केदारनाथ नहीं गया। सो वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते पहलाक दोस्तों। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। काफी टाइम बाद में जो है वीडियोस व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस बार जो है मेरी जर्नी उत्तराखंड की और नहीं है, यही मुंबई भारत में है। जैसे भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से 6th ज्योतिर्लिंग जो मैं आपको रास्ते में बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो वहाँ हम जा रहे हैं। तो सावन का महीना है, तो अभी मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ, टाइम हो चुका है 6 बजने आ गए। तो हमको इस बार जो है मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, इस बार हम जो है हमारे एरिया, जैसे हम लोग का लोकेशन है, तो वहाँ के ग्रुप है, दोस्त लोग हैं, वो लोग सब लोग जाते हैं, तो हर साल ट्रैक जाते हैं। तो इस बार जो है मैं भी 2-3 बार गया हूँ, लेकिन इस बार जो है मैं उनके साथ वापस जा रहा हूँ। लास्ट ईयर मैं गाड़ी से गया था, तो इस बार जो है मैं उनके साथ ट्रैक करके जा रहा हूँ, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है सफ़र में। तो मैंने तो बैग पैक कर लिया, जैसे कि एक छोटा बैग है, सारी चीज़ें रख ली है, कल ही शाम को पैकिंग कर ली थी। तो अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ, मेरे दोस्तों के पास, उनसे कैचअप करता हूँ, देन हम वहाँ से जाएंगे। मैं आपको सारी जर्नी बताऊँगा डिटेल में कि कहाँ से कैसे जाना है, क्योंकि जो लेट आएगा उसको कुछ ना कुछ भरपाई देना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको थोड़े समय में, बने रहिए। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो हम लोग जो है निकल चुके थे वहाँ से काफ़ी टाइम पहले ही, लेकिन सबको मिलना अरेंज करने में हमको टाइम लग गया था, तो सब लोग काफ़ी दूर दूर से भी दोस्त लोग आ रहे थे। तो हम लोग सब लोग आके अभी ऑन द वे है, मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हम लोग हो चुका है ड्राइव करते करते। तो हम लोग का प्लान ये था कि हम जाएंगे, हम डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं है या फिर डायरेक्टली बस से है, लेकिन हमारा जो प्लान था वो ट्रैक करके जो है वहाँ जाने का था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो जा रहे हैं वहाँ भीमा शंकर में जा रहे हैं, जैसे वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। सो अभी हम लोग जो है मुरबाड में है, यहाँ से हम जा रहे हैं मसा, देन मसा के बाद कौन से गाँव जाना है भाई? बलवीरा समथिंग गाँव है, वहाँ हम लोग अपनी गाड़ी सब पार करेंगे, देन वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। और काफ़ी मस्त है, अभी मौसम भी अच्छा है, ऐसा बारिश नहीं है, तो लेट्स सी क्या होता है आगे, देखते हैं बारिश आती है कि नहीं। तो हम करते हैं अभी नाश्ता, क्योंकि सबसे पहले है अपना पेट पूजा, फिर भी हम निकलते हैं बलवीरा के और, क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी है, तो थोड़ा पेट पूजा कर ले। हम लोग रुके 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 हम लोग आगे। तो गाइस हम लोग मस्सा से निकल चुके हैं, और हमारे बीच है एक ही बहुत ही बेहतरीन लड़का, वो है ओप्या जो यहाँ से गांव गए थे गाड़ी सीखने, और बाकी हमारे टीम मेंबर्स आ रहे हैं स्माइल करते हुए। ना उतरना नहीं है ना, कौन कौन है? हाय गाइस, मीट माय मिस्टर राज भाई, आधी दुनिया इनके अंडर में। सो गाइस हम लोग जो है मसा से निकल चुके हैं, अगर अभी हम जा रहे हैं बलिरा के लिए, तो देखिए यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन वाला रास्ता है। जब हम मसा से निकलते हो अराउंड 1 किलोमीटर भी नहीं है, देन यहाँ अंदर को है, तो ये स्टेट जो है मार्शल्स घाट को रास्ता जाता है, काफ़ी कन्फ्यूजन है। जैसे यहाँ लिखा गया है करजत करीते, तो यहाँ से आप जा सकते हो, यहाँ से अराउंड जो है फिर भी हाफ एन आवर की जर्नी है जहाँ हमें जाना है, जहाँ हमारी गाड़ी पार्क होगी। ये हमारा दोस्त सब लोग को गाइड करते हुए भीमा शंकर जाने के रूट पे। तो रास्ते जो है अभी इतने जो है अच्छे नहीं है, काफ़ी ऊपर खाड़े खड्डे, तो आगे से है रोड में हमने पता चला कि आगे काफ़ी ठीक रोड बनी है, गांव के विलेज में, पूरा विलेज के अंदर से हम जा रहे हैं।
फाइनली हम लोग बलवीरा पहुंच चुके हैं और हमारे एक मित्र हैं, तो यहाँ से स्टार्टिंग ट्रैक होता है, लेकिन अभी हम लोग सब लोग बाइक लाए थे तो रहने के लिए, बाइक रखने के लिए जगह नहीं होती, तो लेकिन वो हमारा एक दोस्त है तो उनने हमारी सवे कर रखी है, मेरे दोस्त के कंपनी में उसका मेट है तो उनका ये घर है, तो उनने हमारी इतनी हेल्प की है कि हमारी सारी गाड़ियाँ यहाँ लगवा दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए थैंक यू इन्हें। और ये हमारे टीम लीडर, अरे ये मत मत सब बराबर लगा, ये भाई गाड़ी ऐसे लगाई कम देर में सबका है। हमारे बीच में एक रिक्शा भी जो मौजूद है, राहुल भाई ले भाई ले भाई, हम आ चुके इधर एक गाड़ी की गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं, धीरे धीरे सब अपने एरिया के चिंटर विंटर वाटर लोग सब अपने बच्चे लोग हैं, अभी इधर लोकेशन पर हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं, यहाँ से कम हमको लगभग 12 किलोमीटर अभी हमको रोड से चलना, फिर पहाड़ी समझ लो कितना 24-25 किलोमीटर है। देखो अभी इसी हिसाब से अपन चलते रहे ना ये स्पीड में तो अपन लगभग 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। मम्मी मैं केदारनाथ नहीं गया। हो गया अपना काम, हो गया अरे 2 किलो कांदा मेरे बैठने दिए भाई। तो हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, अभी मेरे साथ है श्रवण और रजनीश, तो यहाँ से अराउंड 15-20 मिनट्स का जर्नी है, उसके बाद जो है हमको ट्रैक है, तो आपको मिलते नीचे। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं बलवीरा गांव में और यहाँ से हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट होता है, तो यहाँ से अराउंड 3-4 आवर्स की जर्नी है हमारी, तो ऑलमोस्ट पूरा ट्रैक है, तो हमारे साथ मेरे दोस्त लोग भी सारे आए हैं, तो वो ग्रुप इडली सांबर साउथ इंडियन फूड्स, सांबर भी है, सांबर ले ले आगे। सो वी स्टार्ट अवर ट्रैक, अमित सावंत इज ऑल्सो देयर विद अस। अमित जी आप तो आज थ्री व्हीलर लेके आए, कैसा लग रहा है आपको बारिश से? मजा आ रही है फाइनली गाइस हम लोग आधे का आधा भी नहीं चढ़े, मतलब अभी 3 पहाड़ी होती टोटल, जिसमें से फर्स्ट हम लोग ने कवर नहीं किया, लेकिन बारिश की और पसीने की वजह से हम पूरे गीले हो चुके हैं। ये हमारे राज भाई प्रतीक नीलेश और पीछे श्रवण दुबे जी थक गए थोड़ा, और अभी आगे झरना आएगा वहाँ हम थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, नहाएंगे, देन जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून, बने रहिए आप। पहले झरने पर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से हमें जो है नीचे जाना है। पहला झरना आ चुका है गाइस, यहाँ से दो पहाड़ी चढ़ना है, ये पहला झरना लगेगा आपको यहाँ पर भीमा शंकर का,
यहाँ पर आपको रिलैक्स होना है, खाना पीना मौज करना है, यहाँ से आपको सीधा दूसरे पहाड़ी पे आना है। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो सूरज चैनल को। पहाड़ी चढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट फर्स्ट पहाड़ी है तो पूरा थक गए थे, लेकिन नहा लिया तो काफ़ी रिलीफ मिला। ऐसे रास्ते हैं यहाँ देखो, अगर यहाँ आते तो आपको अगर कोई घूम भी जाते तो ये मार्क काफ़ी लोग लगा के रखते हैं, जैसे कि काफ़ी जगह पे रहेगा आपको मिलेगा, तो आप घूम नहीं होंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ है। और तो देखिए यातायात के लिए, यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी फेवर भी है कि अगर कोई घूम जाता है बाई चांस, इन केस कोई घूम जाता है, तो यहाँ पेड़ों पर मार्क दिया गया है कैसे हम जाते हैं। जैसे आपको बताया था कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से जो है ये 6 नंबर का ज्योतिर्लिंग आता है भीमाशंकर। तो इसकी स्टोरी मैं आपको ऊपर बताऊंगा प्रॉपरली कि क्यों नाम पड़ा और क्या है भीमाशंकर में खास। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, बाकी सब तो हमारे पीछे ही है, मेरे साथ प्रतीक है, तो हम दोनों आगे आगे एकदम तेज ट्रैकर। तो आपको मिलते हैं सीधा सेकेंड पहाड़ी में, और फिर देन थर्ड पहाड़ी में। काफ़ी अच्छा झरना है तो वहाँ हम वापस बैठ के रिलैक्स करेंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोग सुबह निकल गए थे, मैं निकल गया था 6 बजे, अभी जो टाइम हो रहा है 1:30 हो रहा है। हमने बीच में लंच भी कर लिया था, क्रंच कर लिया, फिर थोड़ा बहुत खा लिया, एंड देन अभी देखते हैं कितने टाइम पे पहुँचे। एस्टिमेट है हमारा कि 3:30 तक पहुँच जाए। लेट्स सी, स्टे ट्यून। गाइस हम लोग ऑलमोस्ट 1/3 कंप्लीट कर चुके हैं, तो खाली एक लास्ट पहाड़ी बची है। तो अभी मेरे साथ नीलेश जी। नीलेश कितना टाइम से आप आ रहे हो? 3 घंटा। अरे कितने समय से? अरे 3 घंटे से। कितने साल से आ रहे हो आप यार? 8 साल से आ रहे हैं। 8 साल से आ रहे। देखो धरना भी दिखाओ, पहाड़ी टूटा हुआ। 10 साल से आ रहा हूँ, 2013 से आ रहा हूँ, और ये 2023 चालू है, और आगे भी आते रहेंगे। आगे भी आते रहेंगे, भगवान ने चाहा तो आगे भी आते रहेंगे। ये हाथ पाँव सलामत रहे, पाओ आते रहेंगे। तो हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, सबका वेट कर रहे हैं। 10 साल का फोटो है, बोलो अपने फोटो डालने का है, वो पहाड़ी पे था यार। तो अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, 5-10 मिनट रेस्ट करके देन हम लोग थर्ड पहाड़ी के और निकलेंगे, और वहाँ काफ़ी ब्यूटीफुल झरना है, तो वहाँ हम लोग नहाएंगे, थोड़ा स्नैक कुछ खा लेंगे, देन जो है हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और लेकिन ना, आप आते समय इधर काफ़ी मच्छर है, तो ओडोमॉस कैरी कीजिए, और काफ़ी खाने की चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा कैरी कीजिए, काफ़ी थक जाते हैं। ट्रैवल नेवर एंड्स। सो हमारी कुछ जर्नी सब नीचे ही है, तो एक अच्छा होता है कि ट्रैक करते रहता हूँ तो एनर्जी होती है, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, देन इधर से और हाफ एन आवर की जर्नी सब लोग आ रहे हैं नीचे से, तो नीचे रेस्ट कर रहे हैं। तो एक झरना है वहाँ हम नहाएंगे, देन इट विल टेक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, तो मिलते हैं आपको सीधे झरने में। सो द कप्तान नीलेश मंडल इज़ देयर, वेरी नाइस, एंड प्रतीक सिंह। सो लेट्स गो। तो अभी तक हम जो है वाटरफॉल पहुंचे नहीं हैं, थके नहीं हम लोग, हमारे जैसे लग रहा है हम लोग एनर्जी से मोड पे, और ये नज़ारे आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, भाई रेस्ट नहीं कर रहे भाई, एनर्जी सेव कर रहे हैं अपनी एकदम। देखो कहाँ सोए, देखो जन्नत में सोए भाई अपने, और काफी अच्छी हवा आ रही है अभी। अरे आ गए, ये पहाड़ी नहीं चढ़ना है भाई, मजाक कर रहे हम लोग, ये सब चढ़ना नहीं है, बस ये ढलान। Thank you.
फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन हर हर महादेव। ये एंट्रेंस गेट है, पहले जो यहाँ नाम लिखा रहता था अब नहीं है। सो गाइस फाइनली वी रीच आवर होम स्टे। सो गाइस अभी हम हमारे बंगले में पहुंच चुके हैं, हमारा विला है अभी हरदम के लिए हम बुक करते हैं विला में। अभी कम से कम देखो हमारे सब बच्चे सब एक्साइटमेंट है आगे अभी अंजनी माता मंदिर देखने के लिए और गुप्त भीमा शंकर है नागपनी। आप अभी हमारे ब्लॉग के साथ बने रहो, आगे आगे आप देखते जाएंगे। देख सकते हो हमारा विला, ये हमारे पब्लिक देख रहा है, तुम देख सकते हो। ये हमारे राहुल सर पूरे शरीर में जान नहीं, ये देखो मामा मामा जी आपको कैसा लगा ये पर यहाँ पर आकर सर्वे करा सर्वे अच्छा लग रहा है ना। ये निखिल जी है, निखिल आपको कैसा लगा इधर आके? बहुत अच्छा लगा, आपने आपका थोड़ा एक्साइटमेंट हो गया ना पैर थोड़ा। ये खान भैया है, ये हमारा जो है वार्डरूम, ये हमारा बेडरूम है, ये हॉल बेडरूम आप देख सकते हो। ए सी लगा है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, ए सी लगा है अभी, चिमनी लगा रहा है बाकी। ये हमारा किचन आ रहा है, ये दूसरा बेडरूम, ये बेडरूम हमारे सर बैठ चुके हैं इधर, श्रवण सर नाम है प्लीज। ये हमारे मेन ठीक है करता धरता जो इधर सब बच्चे को लाते हुए, ये सब करता धरता। अंदर किचन है वो बाद में दिखाता आपको। स्टॉप सो गाइस फाइनली हम लोग जो है चेंज वेंज कर चुके हैं, ये हमारा पीछे होम स्टे है। तो अभी हम निकल रहे हैं, थोड़ा चाय भी पी लेते हैं, चाय पीते हैं देन कुछ खा लेते हैं, भूख भी लग रखी है थोड़ी थोड़ी। तो आपको थोड़ी देर में नज़ारा दिखाता हूँ। So guys having our tea, राम रुताले से तो चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं देन निकलते हैं। तो प्रतीक फाइनली हम लोग पहुंच गए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, ट्रैकिंग करने में बहुत अच्छा लगा सूरज के साथ। अरे चाय का आनंद बड़ा आनंद। गोलू कितना सो गाइस मैगी तो पता नहीं इसने खिलाई नहीं, कोई भुट्टा भी नहीं खिलाया। तो फाइनली हम लोग इसके पैसे से भुट्टा खाना पड़ता है, छुट्टा तो हमारे पास है नहीं, भाई का छुट्टा था तो उन्होंने खिलाया। तो जैसे कि इसने बोला था कि पहाड़ों पे मैगी नहीं खाई, तो पहाड़ों पे और भुट्टा नहीं खाया तो मज़ा ही कुछ नहीं, भुट्टा खा रहे एंजॉय कर रहे, फिर घर पे जाके आपको उधर मिल सकते हैं। क्योंकि हम लोग इस बार जो है घर पे ही खाना बना रहे हैं, यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं और वहीं हम कुक करते हैं सब मिलकर साथ में देन वहीं खाते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से मंगा लेंगे, बहुत कॉस्टली है इधर, तो हो सके तो आप खुद ही लेके आइए, बनाइए और खाइए। सो हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग खाना ऑलरेडी लेके आते हैं, कांदा आलू और हम सब मिल के बनाते हैं। ये देखिए राज भाई जो है अभी आलू की कटिंग चल रही है। हां अगले इसके बैग में जाना, अगले इसके बैग इधर ही होगा, हम बोला था ना आलू के 4-5 बैग में से ही काम कर रहे हैं। राज भाई ने सब्जी काफी देर से लेके से तैयार कर चुके हैं। और इसके लिए कहते हैं कि प्रिकॉशंस लिए नहीं, जिस लड़के ने प्रिकॉशंस नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया, बारिश में नहाने लग गया। राज भाई ऑल ओके? आप तो आज के शेफ हमारे राज भाई है, राज भाई राम भैया यही बना रहे खाना। और उधर श्रवण अपनी वाइफ से बात करते हुए काफी मुस्कुरा रहे, अरे गाना सुन रहे, अच्छा बोल रहा था मैं। श्रवण जी अपनी वाइफ से बात करते हो, भाई किधर वो दाल, भाई तो दूर बात है। मिस देखा, मिस कितना घर पे, कोई घर पे लेके आने वाला है नहीं। और दूर पता नहीं। और ये हमारे तीन दोस्त त्रिमूर्ति, प्रतीक, नीलेश और अनिल भाई। और क्या कर रहे आप लोग? चील मार रहे, थोड़ा चील मार। सब्जी और राइस खा
प्राइस पर देसी स्टाइल पकड़ा नहीं होगा उसको भी इसके ऊपर डालते हैं नहीं पेट्रोल नहीं करो कुछ नहीं करो भैया फटा है किधर से किधर शाम की 6 बजे की मेहनत मेरे में से भी कमा रहे हैं और अभी बज गया कितना बज गया पूरा 1 बज गया पूरा 1 बज गया सरवन डाल दाल राइस सब्जी सूरज दोस्त तो पता नहीं तुमको वीडियो बंद कर दे 1:45 हो चुके और अभी हम सोने की तैयारी कर रहे हैं सोना टाइम टू स्लीप क्योंकि कल सुबह जल्दी 5 बजे उठना है नहाना है देन दर्शन करना है तो मिलते हैं आपको गुड नाइट